आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस युवा महिला के बारे में जिसने मात्र 20 साल की उम्र में ही पायलट बनकर सभी लोगों को चौंका दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोलापुर ज़िले के बार्शी तालुके की रहने वाली साची वाड़कर, जिसने मात्र 20 साल की उम्र में ही पायलट बनकर ये दिखाया कि हम जो सोचते हैं वो पूरा कर भी सकते हैं। साची ने अपनी प्राथमिक शिक्षा शहर के सेंट जोसेफ स्कूल और 12वीं कक्षा पढ़ाई के फौरन बाद उसने रेडियो दूरसंचार मौखिक परीक्षा और साक्षात्कार योग्यता परीक्षा ली। इस प्रशिक्षण को पास करने के बाद उसकी शारीरिक क्षमता का प्रशिक्षण किया गया। इन सभी प्रस्तुतियों के बाद साची को संयुक्त राज्य अमेरिका में पायलट प्रशिक्षण केंद्र में भर्ती कराया गया था। उसने इस कठिन कोर्स को पूरा किया। कोर्स के दौरान साची ने विभिन्न विमानों से लगभग 250 घंटे तक उड़ान भरना सीखा है। साची ने ये भी कहा कि बचपन से लक्ष्य को निर्धारण करना चाहिए। बचपन से ही अगर हमारे मन में ये इच्छा हो कि हम कुछ बनना चाहते हैं तो उसको पूरा करने के लिए अगर हम मेहनत करते हैं तो वो लक्ष्य पा ही लेते हैं। आज मैं अपने लक्ष्य को पाकर बहुत खुश हूँ। एक नए क्षेत्र में करियर बनाने के दौरान उन्हें मजबूत माता पिता का बहुत समर्थन मिला। जीवन में आने वाली हर कठिनाई को दूर करने के लिए उन्होंने अपने माता पिताओं का साथ लिया। स्कूल के जीवन में ही अपने लक्ष्य को निर्धारित किया, जिसकी वजह से आज मैं एक पायलट बन गई हूँ। और साथ ही साची ने ये भी कहा कि मैं अपने देश के लिए एयरफोर्स ज्वाइन करके अपने देश की रक्षा के लिए अपना जीवन निछावर करना चाहती हूँ। ये हमारे सोलापुर ज़िले के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मात्र 20 साल की उम्र में ही इस युवा महिला ने पायलट बनकर उन सभी लोगों को एक प्रेरणा दी है जो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साची ने ये गलत साबित किया और आज उसने अपने लक्ष्य को पा लिया। आज पूरे सोलापुर ज़िले के तरफ से और पूरे राज्य और पूरे देश की तरफ से हम ऐसी युवा महिलाओं को सलाम करते हैं जो मात्र 20 साल की आयु में पायलट बनकर अपने देश की सेवा करना चाहती है। आज के लिए बस इतना ही और देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल आज़ादी बचाओ न्यूज़। आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।